हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं वो आत्माएं भटकती रहती है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं वो आत्माएं भटकती रहती है। और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की। और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया, और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं, और ये आत्मा ऐसा करती है परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई। और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में स्थिर मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों।